मित्रों कैसे हो यारों, ध्रुव भाई भूटान से सिलीगुड़ी के लिए निकल चुके हैं और हमारे पास आ रहे हैं। तो आओ चलकर देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसे जा रही है। On this particular trip, we're actually blessed with time. हमने एक तो सोचा था कि बहुत अच्छे अच्छे सनसेट्स देखने मिलेंगे, बट जैसे ही ट्रिप प्लान हुई हमको सनसेट्स भी नहीं मिले और ड्रोन भी खास नहीं उड़ाया। बट बिकॉज नाउ दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू वी आर ब्लेस्ड विद टाइम, मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा सनसेट का टाइम लैप्स आपके लिए बनाऊँ और मैं अभी ड्रोन उड़ाने लगा हूँ आपके लिए। और अगर किसी ने भी मेरे ड्रोन शॉट्स पहले देखे हैं तो उनको पता है कि मैं बहुत ग्रेट हूँ नहीं ड्रोन उड़ाने में, लेकिन क्योंकि खरीदा है तो उड़ाएंगे तो सही। मैंने अपनी औकात से ज़्यादा ड्रोन उड़ा दिया इस बार और पता नहीं फ़ोन की स्क्रीन में तो देख के अच्छे लग रहे थे, एडिटिंग टेबल पे इतने अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगा। टू कैच द परफेक्ट सनसेट मेरे को थोड़ा सा विलेज में जाना पड़ेगा विच इज़ आउट ऑफ द वे। आई डोंट गिव अ फक बिकॉज़ आई नीड अ सनसेट टाइम लैप्स फॉर यू ऑल। सो वहाँ सनसेट हो रहा है, आई होप आई कैन कैप्चर द परफेक्ट सनसेट फॉर यू गाइस। चेक इन कर लिया है, की कार्ड ले लिया है। वी आर स्टेइंग इन अ प्लेस कॉल्ड सैफ्रन क्रेस्ट इन सिलीगुड़ी, सो वील जस्ट क्विकली चेक आउट द रूम एट सैफ्रन क्रेस्ट। Not bad, not bad. Nice, nice room. Love the smell. रूम थोड़ा छोटा है बट मैं तो बढ़िया लग रहा हूँ। पंजाबी बॉयज आर आउट टू ड्रिंक, सिलीगुड़ी इज गोना सी सम पंजाबी स्टाइल फन है मुंडिया गाना बजाने अपना। तो ऐसी कहावत है, व्हेन इन रोम डू व्हाट द रोमियोज डू एंड द रोमियोज डू समथिंग लाइक दिस। हम द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब इंडिया, मुझे मार मत देना। मैं भी उसका रिस्क इसके ऊपर है। हाँ वैसे तू नहीं, मतलब मैं टॉप ब्लॉगर्स में आने वाला हूँ ना, तू तो एंटरटेनर है। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू फीलिंग? तो हम आए हैं सिलीगुड़ी के टॉप के मॉल कॉल्ड प्लैनेट मॉल। पता नहीं ये सिलीगुड़ी में शराब पिलाने की जगह सीढ़ियाँ चढ़वाई जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। Very nice, darling. Very nice. Anything I pay for is nice. Also, apparently, all the clubs and nightlife places are in just one place here. these beautiful people behind the bar. And this is a moment that will be cherished. Courtesy the staff at #. Cheers to you guys. Yes. For making a memorable evening. We're a little drunk and we still have half a bottle of sparkly left, and now we're gonna walk towards hotel. Thank you guys. Good night. # surprisingly was a wonderful experience. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिलीगुड़ी में ऐसे नहीं बोलते मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिलीगुड़ी में इतना ड्रंक हो सकता हूँ। ओ बहन चोद बहुत अंधेरा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अंधेरा बहुत है। आगे कंटिन्यू करते हैं। बट ड्रिंकिंग इन सिलीगुड़ी वॉज ए रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। मतलब हाय क्या नशे चढ़े हैं, वाह 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 वाह। आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ माय ऋषिकेश व्लॉग एंड देयर आर सर्टन रिच किड्स जो ऑटो वगैरह में ऐसे बैठते हैं जैसे किसी जॉय राइड में आए हो। तो वो रिच किड मेरे साथ पीछे बैठा है। आओ भैया कैसा मजा आ रहा है, टमटम चला रहा है, मजा आ रहा है। मुझे तो बैठ के मजा आ रहा है। टमटम इज दिस इलेक्ट्रिकल ऑटो थिंग दैट हैज 3 rows। एक भैया की रो है जिसमें चला रहे हो, एक मेरी रो है जिसमें मैं बैठा हूँ, एक युशबी की पीछे वाली रो है जिसमें युशबी बैठा है। आई थिंक आई एम द ओनली व्लॉगर दैट गेट्स ड्रंक ऑन हिज YouTube वीडियोज एंड ऑल अदर व्लॉगर्स। यू गाइस तुम लोग कैसे मैनेज करते हो इतना डिसेंट बिहेवियर पे? मेरे से नहीं होता यार, मैं बड़ा अश्लील किस्म का लौटा हूँ और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट देयर यूट्यूबर्स टू बी सिविल। आई एम बकचोद। यू कांट डील विद इट, अनसब्सक्राइब। यू कैन डील विद इट देन आई लव यू टू। और हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं अपने टमटम में। मेरा रूम है सर 521। 521 हाँ। मेरा नाम है ध्रुव मेहता और मैं हद चार्मिंग हूँ, पता है। 521 बोलना सर। यस सर 521। की कार्ड दिखाऊं दादा? नहीं सर आप एक बार स्माइल तो करो मेरी ऑडियंस के लिए, हाय तो बोलो मेरी ऑडियंस को। दीज आर द ब्यूटिफुल पीपल गार्डिंग आवर सैफ्रन क्रेस्ट। Saffron Crest, the name of my hotel. Thank you. Okay, welcome. It's always a delight to meet your own people in a strange land. Ladies and gentlemen, that here is Lee. He is currently working in Saffron Crest. He's a subscriber and he is well versed with Delhi. So Lee, how did you find Delhi? Delhi, one of my favorite destinations. Sun rahe ho Delhi walo? Spend my life over there, like more than 2.5 years, and I had a lovely time in Delhi. Delhi hai dil walon ki, let's just end it at that, alright? Good night, Lee. Good night, sir. मुझे शराब पीने का शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी ना युशबी मेरे को कहती है कि क्योंकि वो नहीं पीती तो मुझे उसके हक की भी पीनी चाहिए। तो मैं जब 2 लोगों की शराब पीता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा नशे हो जाते हैं। वैसे मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बड़ा ही खानदानी डिसेंट किस्म का लड़का हूँ। है युशबी? क्या कहती है तो युशबी? I totally agree. युशबी क्या कहती है? I agree. सिलीगुड़ी की मेरे को एक बड़ी कूल चीज़ लगी। अगर आप क्लब में शराब खरीदते हो और आप नहीं पी पाते हो तो क्लब आपको कहता है अपनी शराब ले जाओ। और साला इनके पास टेक्नोलॉजी है आपकी बबली को वापस कॉर्क कर देने की। अपन के बाद दिल्ली में नहीं है अमन भाई ये टेक्नोलॉजी। ओ बहन की डैश, मतलब एकदम लाइक फ्रेश बॉटल जैसे अभी खोली हो। एनीहाउ इफ यू गाइस सॉ कि मैंने इस कमरे का रूम टूर दिया था और ये कमरा बहुत ही क्लीन था। फिर युशबी की इस रूम पे कातिलाना नजर पड़ी और युशबी के पास दैविक शक्तियां, शक्तियां जो देवों के पास होती हैं। युशबी ने कहा क्यों ना इस कमरे को तहस नहस कर दिया जाए और अब ये कमरा ऐसा लगता है। बहुत है क्लीन कमरा था। हाँ तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप लोग जो मेरे को जानते हैं आप लोगों को पता मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत लेट हो गया है तो जो शरीफ खानदानी लड़के होते हैं मेरी तरह वो वक्त पे सो जाते हैं, और मैं ये बोतल फिनिश नहीं करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज हमने पैसे खर्चे हैं। इसके मतलब नहीं है कि हम अपना लिवर ख़राब करें। सो मेरे प्यारे मित्रों, हम कल मिलेंगे। सो छोटे से हैंगओवर के साथ मैं उठा हूँ और नहा धो के तैयार हो गया हूँ, ऑल सेट टू लीव। गुरजीत मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया है और आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। मैंने बहुत सारी ड्रंक बकैती करी है और वो मैं सारी व्लॉग में इंक्लूड करूँगा। ओ एक्चुअली तो आप लोग तो देख चुके होंगे बाय द टाइम आई दिस कम्स। सो ए क्विक डिसीजन हैज़ बीन टेकन कि मैं हिमालयन सिलीगुड़ी में छोड़ रहा हूँ और मैं पैदल चला जाऊंगा दिल्ली, मतलब फ्लाइट लेके। विद अ हैवी हार्ट मैं अपनी बाइक यहाँ सिलीगुड़ी में छोड़ रहा हूँ एंड नाउ आई एम गोना हेड टू द एयरपोर्ट एंड टेक अ फ्लाइट बैक होम। दिल दुख रहा है मेरा मेरी बाइक छोड़ के, बट मंडे को इंपोर्ट अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। आई प्रॉमिस सिमर दैट आई विल अटेंड द इंपोर्ट विद हर। वी आर ऑल सेट टू लीव सिलीगुड़ी। माई स्टे हियर हैज़ बीन वंडरफुल थैंक्स टू द अमेजिंग टीम एट होटल सैफ्रन क्रेस्ट एंड ऑब्वियसली गुरजीत जिसने हमको सवेरे बहुत स्वाद ब्रेकफास्ट खिलाया। नीमा सर हियर हु मेड श्योर दैट द हॉस्पिटैलिटी वाज एक्स्ट्रा वार्म हियर। थैंक यू। सो सिलीगुड़ी हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट वक्त पे पहुंचने का रीज़न है मिस्टर पार्था गुहा। स्माइल करो मेरी ऑडियंस के लिए, हाय बोल दो मेरी ऑडियंस को। ब्रदर ऑफ माइन बिकॉज ही कुड नॉट मीट मी इन सिलीगुड़ी, स्पेशली सिलीगुड़ी से आया मेरे को मिलने। एंड अब मैं इसके और गुरजीत के साथ बहुत जल्दी एक राइड प्लान करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। चल सी यू। रेलवे स्टेशनों में भी ऐसी लाइन नहीं होती जैसी यहाँ होती है, मतलब 47 मिनट्स में वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पे खड़ा रहा। खड़े खड़े भूख लग गई, तो अब देखते हैं कि किस जहरीले सामान से अपनी बॉडी में कैलोरीज डाली जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये सामान फ्रेश तो है नहीं। तो हम फाइनली स्पाइसजेट की फ्लाइट में बैठे हैं एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, लेग रूम कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया है इन्होंने अपनी फ्लाइट में। और तू क्या शक्लें बना रही है? हम आ रहे हैं वापस दिल्ली। सो आई थिंक फन नेम टू दिस पर्टिकुलर व्लॉग वुड बी राइड इन फ्लाई आउट। nice one. Ride in fly out है ना? Done. तो आप देखेंगे, आप इस वक्त देख रहे हो ride in fly out. So finally in Delhi after some 2 weeks and अभी मैं प्लेन में ही हूँ और बाहर निकलते ही मेरी तबीयत खराब हो जाएगी दिल्ली की पोल्यूशन की वजह से। बीमार होने के लिए तैयार हो? दिल्ली पोल्यूशन से? What's up pollution, we missed you. Surprisingly the air doesn't smell that bad. People keep talking about the pollution in Delhi. We can't really feel any pollution in the air. No bad. Yeah, it's not bad Delhi. I like the way you smell. Yeah, but it is not I bad. Missed you. Listen to me. So I believe in lady drivers, but ये जिस तरह से ट्रॉली चला रही है मेरे को ऐसी घबराहट हो रही है, टक्करे मार रही है इधर उधर। दिल्ली आके मुझे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड आनंद है, एक हफ्ते मुझे आनंद आता है दिल्ली आके, फिर मैं सोचने लग जाता हूँ कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। व्लॉग को ख़त्म कर दूँ या आप लोगों को अपने साथ घर तक लेके जाऊँ? तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं।